हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताएंगे, जिसके लिए हमने ये दो कपड़े लिए हैं। जो ये ब्लैक लिया है, हमने लिया है 1.5 मीटर 1.5 मीटर, और जो हमने प्रिंटेड कपड़ा लिया है ये हमने लिया है 2 मीटर। तो सबसे पहले हम अपने ब्लैक कपड़े में से अपनी चोली कट करेंगे। इसमें से हम अपनी चोली कट करेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये 2 फोल्ड है, और फिर हमने इसको 4 फोल्ड किया इस तरह से। फोर फोल्ड करने के बाद हम अपनी चोली लेंगे। तो इसकी लंबाई लेंगे हम 15 इंच, यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाएंगे, और फिर हम यहाँ पे 15 इंच पे निशान लगाएंगे और इनको मिला देंगे इस तरह से। ऊपर हम अपना तीरा लेंगे, तो इसमें हम स्लीव्स नहीं लगाएंगे, तो ये तीरा हम लेंगे 7.5 इंच पे हम अपना तीरा लेंगे, और 6.5 इंच पे हम अपने आर्म होल लेंगे यहाँ पे इस तरह से। यहाँ पे भी 6.5, और इस तरह से यहाँ पे इसको मिला देंगे। 9 इंच हम अपनी चेस्ट का लेंगे, 36 है हमारी चेस्ट, 36 का हाफ हो जाए, 36 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आता है। 9 यहाँ पे लेके यहाँ पे ये मार्जिन आ जाएगा हमारा इस तरह। ये हमारी कमर है, यहाँ से हम 8 इंच, 7.5 इंच हम यहाँ से लेंगे 30 इंच पे, और यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे। ये हमारा मार्जिन आर्म होल की यहाँ से हम गोलाई कर देंगे। तो इसी तरह से हम अब इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से हम अगली कटिंग नहीं कर देंगे, क्योंकि हम इसमें स्लीव्स नहीं लगाएंगे, तो इसमें हम फ्रंट की कटिंग नहीं करेंगे, फ्रंट आर्म होल की। इसकी इसी तरह से हम अब कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने अपना टॉप पार्ट कट कर लिया है। अब हम अपना ये प्रिंटेड फैब्रिक लेंगे, और इसको 4 फोल्ड करके इसको बिछाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे 4 फोल्ड बिछा दिया है। ये देखिए, ये पहले हमने 2 फोल्ड किया है, और फिर हमने इसे 4 फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हमने इसे बिछा दिया है 4 फोल्ड। अब हम अपना टॉप पार्ट लेंगे, ये हमारा, यहाँ से हमारा बंद साइड है। अपना टॉप पार्ट इस पे रखेंगे इस तरह से, यहाँ पे ऊपर ऐसे, इस तरह से रखेंगे। और यहाँ से, और नीचे जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे। यहाँ पे निशान लगाने के बाद जो ये हमारा कॉर्नर है, यहाँ पे इसको इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से इस पॉइंट से अपने जो हमारा ये हमारा टॉप का जो पॉइंट आया था, यहाँ पे इस पॉइंट को अपने इस कॉर्नर से मिला देंगे इस तरीके से। और इसकी लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग रख लेंगे, जितनी भी आपको लेंथ चाहिए अपने टॉप, अपने सूट की, अपनी कुर्ती की, उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ रख लेंगे। ये देखिए, इस तरह से आ गया ये। फिर हम यहाँ से इसकी, यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे, और ये नीचे से हम इसकी गोलाई करेंगे। तो यहाँ हम इसकी गोलाई, यहाँ से गोलाई नहीं करेंगे, अब यहाँ से हम इसको इसके फ्रंट में से, इसके मिडिल पॉइंट से यहाँ से लेंगे हम। यहाँ पे हम 3 इंच एक्स्ट्रा यहाँ से लेंगे, 3 इंच ऊपर निशान लगा के, और हम इसको इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे। यहाँ से हमें इसकी गोलाई नहीं करनी है, सिर्फ हमें यहाँ से फ्रंट से इसको, फ्रंट को इसको, फ्रंट में से हमें इसको कट करना है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से और यहाँ तक इसकी कटिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ए लाइन में हमने इसकी कटिंग कर दी है।
जो ये गोलाई पे जो यहाँ पे जो निशान लगाया था, अब यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा आगे से ये लो हो जाएगा और साइड से हमारा ये हाई हो जाएगा। अब हम अपना बचा हुआ जो हमारा ब्लैक फैब्रिक था वो लेंगे। इस तरह से हम इसे फोर फोल्ड करेंगे ब्लैक फैब्रिक को अपने को, बचे हुए फैब्रिक को। ये हमने टू फोल्ड कर लिया है और हम इसे इस तरह से फोर फोल्ड करेंगे। और जो हमने अपना टॉप पार्ट कट किया था उसको इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। ऐसे और अपने आर्म होल और इसी तरह से अपने आर्म होल के निशान लगा देंगे इस पे इस तरीके से यहाँ पे। इस तरीके से करेंगे यहाँ। इसको हम इसकी लेंथ हम 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमने अपनी जो हमारा ये टॉप पार्ट था ये हमने 15 इंच लिया था, इसको हम 20 इंच ले लेंगे। इस तरह से 20 इंच लेके और हम इसकी यहाँ पे इस तरह से जिस तरह से हमने उसमें अपने कुर्ती में जो कटिंग की थी उस तरह से ही हम इसकी यहाँ से इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरीके से आ जाएगी हमारी कटिंग और यहाँ से हम इसको यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे मिला देंगे और इसी तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग हो गई है। हम इस तरह से कर देंगे, ये हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है, अब हम सिलाई की ओर चलते हैं। अब हम अपने आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इसमें हम बोट नेक बनाएंगे। इसके लिए हम 3.5 इंच की चौड़ाई लेंगे और 4 इंच हम इसकी लेंथ लेंगे इस तरह से। हम एक पर्दा इसका लेंगे और एक पर्दा हम अपनी चोली का लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने एक अपनी चोली का पार्ट लिया है और एक अपने हमने ऊपर जो हमने डिजाइन वो काटी थी अपनी लॉन्ग टॉप काटा था हमने उसका लिया है। 3.5 इंच हमने गले की चौड़ाई ली है और 4 इंच हमने गले की लंबाई लेके हमने बॉट शेप दे दी है इसको। ये हमारा फ्रंट है क्योंकि एक पार्ट हमारा चोली में फ्रंट का आएगा और एक बैक का, तो हमने ये फ्रंट ले लिए हैं दोनों और इसके हम नेक कट कर देंगे इस तरह से। इसके नेक कट कर देंगे इसी तरह से। हम दोनों के बैक नेक कट करें। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसके नेक की फिनिशिंग करेंगे। हम अपने ये पार्ट लेंगे और इसके ऊपर जो हमारी चोली का पार्ट है उसको रखेंगे। ये हमारा फ्रंट है, मतलब ये सीधा साइड है हमारा और ये हमारी इसका चोली का सीधा साइड है। इन दोनों को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से इक्वल करके, इस तरह से इक्वल करके हम इसके गले की नेक की और इसके आर्म होल में सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से यहाँ पे आर्म होल में सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे अपने सॉरी यहाँ नेक पे सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे आर्म होल में इसी तरह से अपने दोनों पर्दों की हम फिनिशिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने बैक और फ्रंट दोनों की फिनिशिंग कर ली है, आर्म होल और नेक दोनों की फिनिशिंग कर ली है। हम अपने जो हमने नीचे का घेरा कट किया था वो घेरा लेंगे अपना और जो हमारी चोली थी इस चोली में हम अपने घेरे को टच कर देंगे। ये देखिए, ये हमारा घेरा है, इस घेरे को अपनी चोली में टच कर देंगे इस तरह से रखेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है, मतलब कि ये हमारा सीधा साइड है और ये हमारी चोली का सीधा साइड है। इस तरह से सीधे से सीधा मिला के इस तरह से अपनी जो हमारे नीचे का घेरा है उसको अपनी इस चोली में
इस तरह से टच कर देंगे। इसी तरह से बैक को और फ्रंट को दोनों को हम, ये हमारा इस तरह से आ जाएगा, दोनों पर्दे इसमें टच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने घेरे को अपनी चोली में टच कर दिया है, ये देखिए इस तरह से। अब हम, आप चाहे तो इसमें लेस लगा सकते हैं यहाँ पे, और आप चाहे तो इसमें इसको ऐसे ही फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें से ये औरे पट्टी कट करी है, जो हमारे ये चोली का जो कपड़ा बचा था इसमें से मैंने औरे पट्टी कट करी है, तो मैं ये औरे पट्टी लगाऊंगी इसमें इस तरह से डबल करके। ये सीधा साइड है और ये उल्टा साइड है, इस तरह से इसको डबल करके और मैं यहाँ पे उल्टी साइड लगाऊंगी इसे ऐसे, और फिर मैं इसको सीधी साइड इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। तो मेरा इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से मैं दोनों में लगा दूंगी, बैक में भी और फ्रंट में भी। तो इसी तरह से हम इसे लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों पर्दे रेडी कर दिए हैं। हमने इसमें देखिए, हमने जो हमारा नीचे का घेरा था वो पट्टी लगा दी है इसमें अपने ऊपर वाले हिस्से में, और इसी तरह से इसमें लगा दी है। और जो हमारा नीचे का घेरा था उसमें हमने ब्लैक कलर की पट्टी लगा दी है दोनों में, बैक में भी और फ्रंट में भी। अब हम इनके शोल्डर जॉइंट कर देंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट साइड है, सीधा साइड है ये हमारा, और हमारा इसका ये सीधा साइड है, सीधा सीधा अंदर करके, और हम इनके शोल्डर जॉइंट करके इस तरह से इसके शोल्डर जॉइंट कर देंगे। शोल्डर जॉइंट करने के बाद हम इसकी फिटिंग कर देंगे, जो भी हमारा मेजरमेंट है हमारी कुर्ती का, उस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसकी फिटिंग कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इनके शोल्डर जॉइंट कर दिए हैं, अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो हम इसे उल्टा करेंगे इस तरह से। उल्टा करने के बाद जो हमारी कुर्ती है उसकी अलग फिटिंग करेंगे, और जो ये हमारे ऊपर का जो हिस्सा है ये, इसकी हम अलग से फिटिंग करेंगे। इन दोनों की हम अलग अलग फिटिंग करेंगे। पहले हम कुर्ती की फिटिंग करेंगे, जो भी हमारा मेजरमेंट है हमारी कुर्ती का उसके अकॉर्डिंग हम इसमें निशान लगा के इसकी फिटिंग करेंगे, फिर हम अलग से इसकी फिटिंग करेंगे। इसमें हमारी फिटिंग नहीं होगी, इसमें हमारी लूज सिलाई ही लगेगी, जिस तरह से हमारी सेफ आई हुई है। एक एक इंच का मार्जिन लेके हम अपनी इसके जो ऊपर वाली हमारी ये कोटी है, चोली है, इसमें हम एक एक इंच का मार्जिन देके इसमें सिलाई लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुर्ती सिल के रेडी है। ये देखिए, इसका लुक बहुत ही अच्छा आया है, ये बहुत सुंदर लग रही है हमारी कुर्ती। और हमने उसके ऊपर वाले टॉप पर पेपर मिरर लगाए हैं, इससे इसका लुक और भी सुंदर लग रहा है। ये देखिए, नीचे का घेरा भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमने इसके जो कॉर्नर हैं उनको हाई किया है, और बीच में से इसे हमें लो कर दिया है। उसी तरह से हमने जो ऊपर वाला टॉप है हमारा, उसको भी हमने इसी तरह से किया है। तो इसका लुक बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रही है हमारी कुर्ती। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।